साल में एक टाइम ऐसा होता है। अच्छा, 5,000 रुपया महीना कमाएंगे कि फैमिली के घर के भाड़ा ही नहीं भर पाएंगे, रूम भाड़ा खोड़ा की कहाँ से भर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि पूरा कोलीवाड़ा का एरिया है, जो कि मैं फिलहाल दिखा सकता हूँ दोस्तों। इधर ऐसे छोटी छोटी गलियाँ दिखेंगी, इधर रोडों पर आप कीचड़ वगैरह देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं इधर ही से होते हुए चला जाऊँगा जो बीच की तरफ, और देखते हैं इधर से रास्ता वगैरह है, मे भी दोस्तों इधर से रास्ता होगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम वापस से चलते हैं जुहू बीच की तरफ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया यहाँ पे काफ़ी टाइम तक घूम के, ये कोलीवाड़ा का एरिया आता है दोस्तों। जस्ट बोले तो ये जुहू बीच के बगल में ही आता है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टार लोगों का घर है, जस्ट उसी के आसपास में दोस्तों इस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों का फिलहाल गुजर बसर करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना कचरा वगैरह भी फैलाया गया है भाई। इधर देख सकते हैं पूरा कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, कचरे का पूरा ढेर है। इधर ही जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का घर वगैरह भी दिखाई देगा। इधर दोस्तों पीछे की तरफ आपको पूरा झोपड़पट्टी का एरिया दिखाई देगा। और इसी तरह से दोस्तों मैं आपको दिखाते हुए अभी मैं फिर से जुहू बीच की तरफ बढ़ चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं ऐसे ही घूम के कोलीवाड़ा की तरफ से आ रहा था। यहाँ पे मुझे दोस्तों घूम के आ रहा था एक अंकल जी दिखे। नमस्ते अंकल, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, तो यहाँ पे जो अभी अंदर के एरिया में गया था मैं, किस एरिया का नाम क्या है? जुहू कोलीवाड़े भैयावाड़े। जुहू कोलीवाड़े भैयावाड़ा। अच्छा इधर तो अंकल हीरो वगैरह का घर वगैरह भी है ना आसपास में? इधर विराट कोहली का है। विराट कोहली का है, पास में ही है क्या? हाँ, वो आगे जो है ना मिल्टन का। हाँ हाँ, वहाँ विराट कोहली का या बड़ा अफसर लोग का भी घर है। अच्छा अच्छा, मतलब विराट कोहली और बड़े बड़े अफसर लोगों का घर है। हाँ। और इसी के बगल में इधर साइड में ये झोपड़पट्टी वाला भी एरिया है ना? हाँ। और ज्यादा करके कोहली लोग रहते हैं। कोहली लोग क्या? अच्छा, मच्छी वाले। अच्छा, मच्छी जो मच्छी वगैरह मारते हैं वो रहते हैं। आप कहाँ के वैसे सर? मैं सर बिहार का। अच्छा, आप बिहार के? भाड़े पर रहता हूँ। अच्छा अच्छा, आपका भाड़ा कितना है रूम का? 5,000। अच्छा, अभी आप ऑटो चलाते हैं ना इस तरह से, तो दिन भर आप से जाते हैं अंकल ऑटो? दिन भर चलाते हैं, रात को 8 बजे खड़ा कर देते हैं। अच्छा अच्छा, 8 बजे के बाद अपना रूम पर जाते हैं, खाना वाना बनाते हैं। फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले? अगर फैमिली रहने सकते हैं, 5,000 रुपया महीना कमाएंगे कि फैमिली के घर के भाड़ा ही नहीं भर पाएंगे, रूम भाड़ा खोड़ा की कहाँ से भर पाएंगे। बराबर, कितना तभी मंथली कितना हो जाता है अंकल? महीने का अभी धंधा रहता है तो कभी महीने का 10,000 भी, 12,000 भी, कभी 15,000 भी, जितना मेहनत करेंगे उतना उतना काम होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बाकी स्ट्रगल तो बहुत है ना अंकल मुंबई में, जो कहते हैं मुंबई में हम जाते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन किस तरह से मेहनत करते हैं वो नहीं दिखता है किसी को। अभी देख रहे हैं सुबह 8 बजे से 300 रुपये कमाया हूँ। बताइए, सुबह 8 बजे से अभी तक सिर्फ 300 रुपये है भाई? यही है ना अंकल। और घर वाले कहते हैं कि वहाँ पे कितना कमा रहे हैं सभी? कमा रहे हैं अभी 300 रहेंगे तो अभी जिसका गाड़ी है 300 रुपये उसको देंगे, 300 रुपये गैस भरेंगे। 300 रुपये से मतलब एक दिन का गाड़ी का जो रेंट होता है वो 300 रुपये होता है, और 300 रुपये में 300 और 300 गैस भरवाते हैं। 600 रुपये तो आपका इसी ही खर्चा हो गया जाता है, जो बचते हैं 100, 200, 300, 400 कभी जो बच गए। अच्छा अच्छा, वो अपने जेब में। अरे बाप रे बाप, तो वाकई बहुत ही स्ट्रगल भरी जिंदगी होती है ना। तो आपकी फैमिली घर ही रहती है और आप यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, तो मतलब यहाँ पे तो आपके साथ ग्रुप में लोग रहते होंगे ना? कितने लोग रहते हैं आप एक रूम में? 4 आदमी है। 4 आदमी है। और रूम का भाड़ा कितना है अंकल? 5,000 आपने बताया। और डिपॉजिट कितना है? डिपॉजिट 10,000 है। सोचो दोस्तों कि इतना महंगा भी रूम है, अंकल ने बताया कि 20,000 रुपये डिपॉजिट देते हैं और 5,000 भाड़ा देते हैं, और कह रहे हैं कि अगर मैं अपने फैमिली को यहाँ पे जाके रखूँगा तो मैं उनको किस तरह से खिलाऊँगा पिलाऊँगा भाई, यहाँ अपना खुद से भी नहीं हो पाता। अंकल मैं ऐसा सही कह रहा हूँ ना? लोगों के माइंड में ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि भैया ऑटो अगर बंदा वहाँ मुंबई में चला रहा है बहुत अच्छा पैसा कमाता होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आज अंकल जी के मुँह से ही दोस्तों आपने सुन लिया कि एक ऑटो वाले भाई कितना मेहनत करते हैं और कितना कमाते हैं। तो इस तरह के दोस्तों फिलहाल कुछ सीन्स रहते हैं। तो थोड़ा सा जो भी भैया घर गांव में वीडियो देख रहा हो, जो पापा उपा से डिमांड ज़्यादा करता हो, थोड़ा ध्यान दें इन बात का। क्या कहते हैं सर इसके बारे में? सही बात है ना? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर से एक बार आप नाम बता दीजिए। राजू दास। राजू दास, बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, कुछ इस तरह के सीन्स थे जो कि अभी देख सकते हैं। राजू दास भाई ने हमें कितना डिटेल में चीज़ों को बताने की कोशिश किया। तो फाइनली दोस्तों इसी तरह से लोगों की मुंबई में ज़िंदगियां होती हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं भाई कि बस मुंबई में रह रहे हैं तो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबके माइंड में यही सवाल होता है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ अलग है। ये ऑटो का वो 300 रुपये भाड़ा देते हैं, उसके बाद 300 रुपये का गैस भरवाते हैं, उसके बाद दिन भर मेहनत करते हैं, और अब फिर जितना भी कमाते होंगे दोस्तों, पता नहीं कितना कमाते होंगे, अब तो वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा काम वगैरह हो जाता है। तो इस तरह के दोस्तों फिलहाल सीन होते हैं।
तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि अभी जो मैं एरिया में पूरा घूम रहा था, इसको कोलीवाड़ा का एरिया कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर मछुआरे समुदाय के लोग यहाँ पे अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। और बाकी दोस्तों अभी मैं आपको आगे की तरफ दिखाता भी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बोट वगैरह हैं जो कि वो मच्छी वगैरह मारने के बाद दोस्तों फिर उसे वापस से लेके आके यहीं की साइड में रख देते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आगे की तरफ है पूरा मछुआरे वगैरह की बोट वगैरह। यहाँ पे सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों पूरी लगी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैं अभी घूम रहा था, यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे कुछ अंकल लोग लगे हुए हैं बड़े शिद्दत के साथ दोस्तों, वो अपने इस जाल को साफ कर रहे हैं। तो एक बार हम दोस्तों आपको दिखा देते हैं। नमस्ते सर, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया सर, आपका नाम बताएंगे क्या? महेंद्र सर। सर आपका नाम? सुरेश। अच्छा अच्छा, अभी सर आप ये क्या कह रहे हैं, ये कचरा वगैरह जो जगह है वही साफ कर रहे हैं क्या? साफ कर रहे हैं। लेकिन सर ये इतना कचरा वगैरह आया कैसे? अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कचरा आया हुआ है। डबल कचरा आता है ना, इसका रीजन क्या है सर, कुछ आइडिया क्या होता है? साल में एक टाइम ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, दरिया रफ होता है ना, दरिया कचरा बाहर फेंक देता है, कुछ रखता नहीं। अच्छा, पूरा कचरा दरिया बाहर फेंकता है ना, इसीलिए इधर पूरा कीचड़ कीचड़ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर यही तो, वही मैं भी घूम रहा था इतने टाइम। और अंकल आप लोग ये मच्छी मारने का टाइमिंग क्या होता है, मॉर्निंग में जाते हैं क्या? सुबह सुबह ना, सुबह 3 से 4, 5, 6 3 से 4, 5, 6 अभी निकले तो अभी भी जाएगी। अच्छा अच्छा, और ये एरिया का नाम क्या है सर? कोलीवाड़ा। कोलीवाड़ा ना, यहाँ पे आप लोगों की पूरी कम्युनिटी रहती है ना। और ये जो सारी बोटें यहाँ पे रखी हुई है सर, ये सारा मच्छी मारने के लिए ही है क्या? मच्छी मारने के लिए ना, सुबह सुबह ही सब जाते हैं ना। अगर सर अगर हम भी कभी आपके साथ जाने का एक्सपीरियंस करना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं आपके साथ क्या? 9-10 बजे तक क्या? 10 बजे तक 9-10 बजे तक काम होने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, काम होने के बाद आपके? नहीं, अगर मैं चाहूँ आपके साथ जाऊँ, आपके साथ मछुआई करूँ, आपका मतलब पूरा आपका हेल्प करूँ जैसे आप करते हैं, सिर्फ एक तरह से छोटा सा वीडियोज भी बन जाएगा और आपकी हेल्प भी हम कर देंगे अंदर, ऐसा हो पाएगा क्या? हो पाएगा। किसी दिन आऊँ फिर मॉर्निंग में क्या? पूछना पड़ेगा कि फोन लेगा नहीं लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? ये आपकी बोट नहीं है क्या फिर? मेरा ही बोट है। अगर आपकी बोट पर जाना चाहे तो गणपति के बाद उतरेगा हम लोग, इतना जल्दी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और बाकी सर एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके इस एरिया में आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे पानी वगैरह की समस्या है या कोई किसी तरह की कोई समस्या है क्या? नहीं है ना, ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अंकल शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ओके। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह के सीन्स थे जो हमने लोगों से बातचीत की, और उनका दोस्तों हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम भी जानने की कोशिश किया। और यहाँ पे अभी एक मैडम आई थी इस तरह से कुत्ते को बीच भी पोटी कराने के लिए, तो फिलहाल दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। वापस से दोस्तों हम अभी बीच पे आ चुके हैं, और फिर से दोस्तों हम चलते हैं शाहरुख खान नहीं है यार, यहाँ पे अक्षय कुमार, अजय देवगन और जो भी सुपरस्टार का घर भी दिखाते हैं वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑलमोस्ट दोस्तों जितने भी यहाँ पे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं उनके हम घरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों से नमस्कार, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे।